नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार आवामी और मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं, उनसे जानेंगे। सर, पहला सवाल ये है कि भाजपा कह रही है कि स्टार प्रचारक सोनिया गांधी जी को इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि हार का टिकड़ा उनके ऊपर नहीं फोड़ा जाए, क्या मानते हैं सर? देखिए, जहाँ तक स्टार प्रचारकों का सवाल है, ये पहले फेज का स्टार प्रचारक की सूची जारी हुई है। इसी तरह से पांच फेज में लगातार स्टार प्रचारकों की सूची जारी होगी, तो उसमें जैसे जैसे नेताओं की अवेलेबिलिटी होगी वैसे वैसे सभी लोगों को बुलाया जाएगा। कहीं इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी नहीं आ रही हैं। ये तो अच्छा हुआ कि पहली सूची में उनका नाम नहीं था और भाजपा के लोगों का चरित्र और घबराहट सामने आ गई, क्योंकि उनको घबराहट होती है और घबराहट की वजह से वो इस तरफ का अनाप शनाप बयान देने लगते हैं। अरे, कौन नेता कब आएगा ये कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी, और हमारे सब कद्दावर नेता झारखंड में आएंगे, इस बात से कहीं कोई परहेज नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है। ये जब जब नए नए फेज का की आगाज़ होगी तब तब नए नए लोगों को स्टार प्रचारक बनाने का काम किया जाएगा। सब जगह सब लोग अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, कोई ये भाजपा के लोग नहीं हैं कि एनी टाइम बस केवल इसी काम में लगे रहते हैं कि कैसे लोगों को झूठ बोल करके गुमराह करें। हमें गुमराह नहीं करना है, हमें जनता तक अपनी बात को रखनी है, और उसका सशक्त माध्यम है कहीं ना कहीं आप जैसे मीडिया के लोग। निश्चित रूप से सभी नेतागण आएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, आप मानते हैं स्टार प्रचारक में आएंगे आपके तौर से, लेकिन अगर बात की जाए सर लोहरदगा सीट की, क्योंकि आपके कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत और सीधा टक्कर अब वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं रामेश्वर उरांव से सीधा टक्कर, देखा जाए, क्या मानते हैं सर, कैसा फाइट रहेगा वहाँ का? देखिए, वहाँ कोई फाइट नहीं है जी। रामेश्वर उरांव जी वहाँ के बहुत पुराने नेता हैं, उस इलाके से सांसद रहे हैं और वो चुनाव पहले भी सांसद का जीत चुके हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, एसटी आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। लगातार उन्होंने लोहरदगा पर ध्यान देने का काम किया है और लोहरदगा उनको एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने जा रही है। वो अब बाद की बात, आप रिजल्ट बाद में आएगी। जनता ने निर्णय ले लिया है कि डॉक्टर रामेश्वर उरांव को विधानसभा भेजना है और लोहरदगा की जो समस्याएं हैं उससे, जो जिस तरह से लगातार कहीं ना कहीं वो मरहूम रहे हैं उसका फ़ायदा उनको देने के लिए वो निश्चित रूप से डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के पक्ष में रहेंगे। तो आखिरी सवाल सर, कि आपको लगता है कि कड़ा टक्कर देखा जाएगा और जीत सुनिश्चित करेंगे रामेश्वर उरांव आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं? सवाल अंतिम ये है कि सर, कुछ सीटों पर जो कांके विधानसभा हो तो उन पे लेकर टिकट को लेकर थोड़ा सा नाराजगी है आपके अंदर में जो कुछ कार्यकर्ता हैं, तो इनसे कैसे निपटेंगे सर, कि कार्यकर्ताओं को कैसे मनाएंगे? कि कुछ कार्यकर्ता सोचते हैं कि हमारे नेता को मिले टिकट, हमारे नेता को टिकट मिले, तो इनसे कैसे सर? देखिए, बिल्कुल, जब भी जो कार्यकर्ता वाली पार्टी होती है, यहाँ कोई अहंकारी पार्टी नहीं है, यहाँ कोई तानाशाह पार्टी नहीं है, सभी की आवाज़ को सुनती है और कार्यकर्ता जो लगातार अपनी बात को रखते हैं उनको भी सुनने का काम करती है। और जब कार्यकर्ता कोई बात कहता है तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए कहता है, और जब कांग्रेस पार्टी के लिए कहता है तो उनकी बातों को सुना जाता है। लेकिन सही बात है कि कांग्रेस की लोकप्रियता आज की डेट में प्रदेश में इतनी है और सरकार को उखाड़ फेंकने की सभी कार्यकर्ताओं में इच्छा है, इसलिए वो अपने अपने तरीके से उम्मीदवारों के नाम की पेशकश करते हैं। लेकिन चुनाव तो सिर्फ किसी एक को ही लड़ना है, तो इस वजह से कई बार परेशानी होती है, लेकिन हमें नहीं लगता, सब कार्यकर्ता एकजुट हैं और जो भी उम्मीदवार होगा कांग्रेस का उसको चुनाव जिताने का कार्यकर्ता संकल्प लेंगे। तो साफ तौर से सर का कहना है कि कोई भी कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी नहीं है, सब एकजुट हैं। टिकट में थोड़ा सा होता है, किन्हीं के जनप्रतिनिधियों को मिल जाता है लेकिन किन्हीं को नहीं मिल पाता, तो इससे निराशा नहीं होना है, सबको मिलजुल कर इनका कहना है कि पार्टी को जिताना है। ये ज़्यादा लक्ष्य नहीं रखता है कि किनको कहाँ से टिकट मिलता है, किनको कौन पार्टी को ज़्यादा सीट मिलता है, जितना लक्ष्य है कांग्रेस का और वह उसमें चाहे वो रामेश्वर उरांव जो प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में, उनसे सीधा टक्कर है लोहरदगा के जो कांग्रेस के पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इनका साफ तौर से दावा है कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीत को सुनिश्चित करेंगे। लेकिन यह चुनावी दिलचस्प मामला यही अब यह बतलाएगा कि आखिर कौन सीट से कौन जीत सुनिश्चित करते हैं। ओंकार आवामी के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।